हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवली और मेरे ब्लॉग चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये वीडियो दरअसल मेरी भांजी मतलब मेरी ननद की बेटी की शादी का वीडियो है। इस वीडियो के मैंने तीन अलग अलग पार्ट्स बनाए थे, लेकिन मेरी भांजी जो है उसका डिमांड है कि तीनों पार्ट्स को मिलाकर एक सिंगल वीडियो बनाओ ताकि वो एक ही बार में देख सके। लेकिन तीनों पार्ट्स को मिलाकर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने स्पीड को बढ़ाया है और ऊपर से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो चूड़ियों के फंक्शन में हम आए हैं यहाँ पर चूड़ियाँ पहनने के लिए। यह मेरी दूसरी वाली ननद है, इन्होंने चूड़ियाँ पहन ली। ये छोटी वाली ननद है, यह उसका बेटा है और बड़ी वाली ननद की बेटी की शादी है। तो यहाँ पर हम एक एक करके आ रहे हैं और बांगड़ी मतलब चूड़ियाँ पहनकर जा रहे हैं, यही है रस्म। और उधर मेहंदी का फंक्शन भी हो चुका है और यह है मेरी बड़ी वाली ननद, इनकी बेटी की शादी है तो यह भी अभी चूड़ियाँ पहन रही है। तो ये वाली जो चूड़ियाँ है ये इनके भाई को देना पड़ता है मतलब मेरे पति को, तो इसीलिए मैं आई हूँ इनके साथ और हमने सेम चूड़ियाँ पहनी है, आप देख सकते हैं। मराठी शादी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रस्म होती है दोस्तों कि शादी में आसपास के मतलब गांव वाले और रिश्तेदार सारी लड़कियां औरतें जो है चूड़ियाँ पहनती हैं, नई चूड़ियाँ। पुरानी चूड़ियाँ तोड़ देते हैं या तो निकाल कर रख देते हैं और नई चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वीडियो शूट करने के लिए मुझे इतना ही मिला था और किसी का तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और मैं आपको मेरी बच्ची का भी दिखाऊँगी, उसने भी चूड़ियाँ पहन ली है, मैंने भी चूड़ियाँ पहन ली है और मेरी बच्ची ने भी पहनी है। और अगले दिन हम जाएंगे जो हमारा मैरिज डेस्टिनेशन है, क्योंकि मैरिज जो है हमारे घर में नहीं हो रहा है, उसके लिए एक हॉल बुक किया है। हमारे घर से काफ़ी दूर है और हमारा घर जो है ये जो दुल्हन है उसके मामा मामी नाना नानी का घर है, तो यहाँ से हम लोग जाएँगे। और ये देखिए मेरी बच्ची की चूड़ियाँ भी दिखाती हूँ मैं, बहुत ही प्यारी लग रही है वो भी। और हमारी जो भांजी है उसने भी चूड़ियाँ पहन ली है और उसकी मेहंदी भी हो चुकी है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यह है दिशा, यह है दुल्हन की मौसरी बहन मतलब कि मेरी जो दो नंबर वाली ननद है उनकी बेटी। और यह है आरुषि, यह भी उन्हीं की बेटी है। और यह है अक्षरा, यह है दुल्हन की बहन, सगी बहन। और सबके हाथ में कौन है, सब लोग मेहंदी लगाने वाले हैं। और यह है हमारी दुल्हन मतलब हमारी भांजी, तो इसकी मेहंदी हो चुकी है, चूड़ियाँ भी हो चुकी है, ये देखिए मेहंदी के डिज़ाइन। तो इसकी शादी है, ये बहुत शर्मा रही है अभी। और यह है मेरी सासू माँ और यह है दूसरी वाली ननद है जो दो नंबर वाली, और यह है छोटी ननद, ये बहुत शर्माती है। और इधर देखिए यह है विक्रम, इनका बेटा है। तो इनके तीन बच्चे हैं, दो बेटी और एक बेटा है। तो अभी वीडियो शूट करने के लिए मुझे इतने ही लोग दिखे हैं और भी काफ़ी सारे मेंबर्स हैं हमारे घर में, और मेरे पति देव को तो जानते ही है, यह है वो। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ तक ही, और कल शूट करूँगी मैं फिर से, कल हम जाने वाले हैं हल्दी के रस्म के लिए और शादी के लिए। सो दोस्तों यह है दूसरे दिन सुबह और सब लोग तैयार होकर हम निकल रहे हैं। ये अलग से ड्रेस पहनकर जा रहे हैं हम हल्दी के लिए और वहाँ जाकर दूसरा ड्रेस पहनेंगे, मतलब शादी के लिए जो पहनना है वो सबने बैग में भर लिया है। और मेरे पतिदेव को छुट्टी नहीं मिली है तो ये जाएंगे काम पर, ये नहीं आ पाएंगे, और बाकी सब लोग और मैं साथ में, तो हम जा रहे हैं शादी के लिए। और अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, ये है हमारी दुल्हन मतलब हमारी बेटी और ये है मेरी बेटी। सिर्फ हम तीन जन सामने हैं, आगे हैं और बाकी सब लोग पीछे हैं। और अभी गाड़ी चल पड़ी है और गाड़ी जो चला रहा है ये हमारा एक चचेरा देवर है मतलब मेरा देवर है, इनका भाई है। और ये है हमारे गांव का रास्ता, ये हाईवे है, तो चलिए वहाँ जाकर शूट करते हैं फिर से। सो दोस्तों ये हम आ गए हैं, ये इस जगह का नाम है आणंदी और ये है वो हॉल मंगल कार्यालय। तो ये हॉल बुक किया है हमने, यहाँ पर सब लोग पहले से ही आए हुए हैं और अभी हमारे तरफ से हम आए हैं। और जो हमारी लड़की है, हमारी भांजी है, उनके घर से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिनको मैं अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, क्योंकि उनका घर हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है और मैं ज़्यादा गई नहीं हूँ, इसीलिए सब लोगों को मैं जानती नहीं हूँ। और ये है हमारे जमाई राजा मतलब इनके साथ हमारी बेटी की शादी होने वाली है। और इधर देखिए ये है उनकी बहन, सो ये लोग इनके तरफ से बिल्कुल रेडी है, अभी हमारी लड़की तैयार हो रही है हल्दी के रस्म के लिए, तो उसके लिए वेट किया जा रहा है। और इतनी देर में हम थोड़ा सा चाय पानी पियेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, बैठेंगे, हवा खाएंगे। और हॉल का जो डेकोरेशन है वो पहले से ही कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पर शादी ही होती रहती है हर रोज़, तो इसके लिए नया कुछ नहीं किया है, बस इन्होंने जो सेटअप कर दिया है वैसे ही हमने लिया है। तो चलिए आगे का कार्यक्रम शूट करते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए सब लोग रेडी है।
तो चलिए दोस्तों आगे का कार्यक्रम दिखाते हैं। ये हमारे दूल्हा दुल्हन जो है रेडी होकर बैठे हैं हल्दी की रस्म के लिए। दोस्तों एक्चुअली क्या है, मैं मराठी गर्ल नहीं हूँ, इसीलिए मुझे इनकी रस्म के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं है, और मेरी शादी में जो कुछ हुआ था वो मुझे अच्छे से याद भी नहीं है सच में। तो इसीलिए दोस्तों मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि कब क्या हो रहा है, इसलिए प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ करें आप लोग। ये जो है तैयार किया जा रहा है इन दोनों को, और अभी जो मंत्र विधि है वो शुरू हो जाएगी, और उसके बाद सब लोग हल्दी लगाएंगे। पहले ये दोनों एक दूसरे को लगाएंगे, उसके बाद बाकी लोग सब इन दोनों को लगाएंगे हल्दी। ये मंत्र की विधि चालू है, और इन द मीन टाइम मेरी बच्ची बिस्किट खा रही है, इसको बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो उसको खाना खाने के लिए बोला था लेकिन खाना उसने नहीं खाया है, किसी भी तरह नहीं खिला पाई, तो इसीलिए बिस्किट दे दिया उसको खाने के लिए। और आप देख ही सकते हैं कि इनकी हल्दी की रस्म जो है वो बिल्कुल चालू है, तो एक दूसरे के साथ ये सब विधि करनी पड़ती है, और उसके बाद सब लोग हल्दी लगाएंगे इन दोनों को, और सब आपस में भी लगाएंगे, मतलब हम लोग भी आपस में लगाएंगे, वो सभी कार्यक्रम दिखाते हैं आपको। अभी शुरू हो गया है इन दोनों को हल्दी लगाने का कार्यक्रम, सब लोग आएंगे एक एक करके, और सब लोग हल्दी लगाएंगे, हल्दी कुमकुम ये सब लगाएंगे। ये अभी मैं भी लगाऊंगी, तो मेरी बड़ी ननद ने लिया है कैमरा मतलब मोबाइल, और मैं जा रही हूँ अभी हल्दी लगाने के लिए। तो मुझे दरअसल इतना अच्छे से पता भी नहीं है कि किस तरह से कैसे लगाना पड़ता है, अगर मैं गलती कर रही हूँ तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। तो मैं भी लगा लेती हूँ। हल्दी कुमकुम दोनों लगाना है टीका में, और फिर जो हल्दी बनाई हुई है उसको लेना है हाथ में और लगाना है। पहले सर में लगाना चाहिए था, लेकिन सर में लगाना मैंने मुझे याद नहीं रहा, मतलब मुझे किसी ने बताया नहीं है, बाद में मुझे पता चला है कि पहले सर में लगाना होता है, फिर कंधे पे, चेहरे पे, ये सब। तो मुझे जितना आया मैंने वैसा लगाया है। उसके बाद अभी ये दोनों ना फ्रेश होकर आएंगे, और हम भी चेंज कर लेंगे, हम भी फ्रेश हो जाएंगे, चेंज कर लेंगे, शादी के लिए जो ड्रेस लाए हुए हैं उसको पहन लेंगे। तो अभी सब लोग जा रहे हैं एक एक करके हल्दी लगाने के लिए। ये जो है ना, और मेरी जो दो नंबर वाली ननद है वो मुझे हल्दी लगाने के लिए पीछे पीछे भाग रही है, लेकिन मैंने कहा बिल्कुल थोड़ा सा लगाओ, तो उन्होंने बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी लगाई है मुझे। और ये देखिए ये दोनों कैसे भर गए हैं। तो अभी कार्यक्रम ख़त्म होने वाला है, और सब लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, अभी फ़ोटो सेशन चालू है, तो लास्ट में मैं आ गई इनके साथ थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करने के लिए, और उसके बाद हम सब जाएंगे फ्रेश होने के लिए और चेंज करने के लिए। तो चलिए फ्रेश होकर चेंज करके फिर से शूट करते हैं, और तब तक मेरी बच्ची का भी ड्रेस चेंज करना है, उसका भी, उसके लिए भी दूसरी ड्रेस लाई हूँ मैं, तो उसका भी ड्रेस चेंज कर दूँगी। तो सौरजा का ड्रेस मैंने निकाल दिया है, और अभी मैं उसको कह रही हूँ कि यह न्यू ड्रेस पहन ले, लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं पहनना है, क्योंकि न्यू ड्रेस जो है थोड़ा सा कड़क है, और उसको सॉफ्ट सॉफ्ट ड्रेस चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाह रही है। और ये देखिए मैं जब ये पुरानी ड्रेस दे रही हूँ तो वो बिल्कुल ले रही है, तो उसको तो नहीं पहना पाई, उसने चेंज नहीं किया है, और हम सब ने चेंज कर लिया है। ये देखिए मेरी साड़ी, और सौरजा वही पुरानी ड्रेस में ही है जो पहन के आई थी पहले, और बाकी सब ने चेंज कर लिया है। यह है मेरी ननद है मंजली वाली, तो इनकी साड़ी, मेरी साड़ी और मेरी छोटी वाली ननद की साड़ी, सबकी साड़ी एक जैसी ही है, सिर्फ कलर अलग है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों शादी की विधि जो है शुरू हो चुकी है। कौन सी विधि का क्या नाम है वो तो मुझे पता नहीं है, इतनी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि मैं मराठी गर्ल नहीं हूँ। तो जो भी हो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप मराठी है तो आप तो समझ लेंगे, और अगर आप मराठी नहीं हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, जो भी हो। तो ये एक विधि चालू है, इसमें दोनों एक दूसरे को नहीं देखते हैं, और उसके बाद यह है वरमाला, अभी एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे, यह तो सभी जगह में एक जैसे ही है।
तो ये इतना ही है और इसके बाद ये है फ़ोटो सेशन और फ़ोटो खींचना हो गया है। अभी दोनों आकर बैठ गए हैं यहाँ और अभी जो विधि है वो है हमारी, मतलब मेरी और मेरे हस्बैंड की। लेकिन पहले ही आपको मैंने बताया है कि उनको छुट्टी नहीं मिली तो वो नहीं आए हैं, इसीलिए तो सगे मामा मामी तो नहीं है। अब दूसरे वाले ये जो है ना, ये कोई मामा नहीं है, मतलब मामा जैसा ही है, पड़ोसी है। अब ये पुरोहित जो है बहुत देर से बुला रहे थे और हमारा जो चचेरा देवर है वो थोड़ा सा बाहर गया हुआ है और पीछे वो देखिए जो सफ़ेद पंजाबी में खड़ा है वो है मेरा सगा देवर। तो उसकी शादी नहीं हुई है इसीलिए वो कन्यादान नहीं कर सकता, इसीलिए बहुत देर से बुला रहे थे तो ये आ गया। लेकिन इसको नहीं आना चाहिए था, हमारा जो चचेरा देवर है उसकी शादी हो चुकी है, वो दोनों जोड़े में हैं, तो उन दोनों को लाना था लेकिन ये दोनों बीच में आ गए हैं। तो दुल्हन की जो मम्मी है उसको बहुत गुस्सा आ गया, वो बहुत आकर बोल रही थी। जो भी हो, अभी ये दोनों बैठ गए हैं तो पुरोहित ने कहा कि ठीक है अगर बैठ गए हो तो विधि पूरा करके ही जाओ। तो अभी ये लोग कर रहे हैं कन्यादान, मतलब ये विधि जो है ये कन्यादान की विधि है। मामा मामी कन्यादान करते हैं, मामा मामी अगर नहीं है तो मम्मी पापा करते हैं, लेकिन मम्मी पापा को बोलने से पहले या दूसरे मामा मामी को बुलाने से पहले ये लोग आ गए थे तो कुछ गड़बड़ हो गया था। अभी पुरोहित जो है समझा रहे हैं कि इनका होने दो, इन्होंने शुरू कर लिया है तो इनका होने दो, उसके बाद से दूसरे मामा मामी आकर अगर कन्यादान करे भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए इन्होंने कर लिया है। अभी ये जो आ रहा है ना, ये मेरा चचेरा देवर है, मतलब सूरज का चचेरा भाई है और वो उसकी बीवी है, तो ये दोनों भी कन्यादान कर रहे हैं। ये विधि मुझे कुछ अजीब सी लगती है भाई, क्योंकि कन्यादान जो है ये अगर विधि होना ही है तो मम्मी पापा को ही करना चाहिए, मामा मामी को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मामा मामी अगर सगे हो तो ठीक है, मामा मामी सगे मामा मामी अगर उपस्थित नहीं है तो दूसरे मामा मामी से कराने की क्या ज़रूरत है, मुझे समझ नहीं आता, मम्मी पापा से ही करवा लेते। लेकिन देखो, मतलब विधि करने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो भी हो, चलो कर रहे तो कर रहे, अब हम तो जोड़े में नहीं हैं हम दोनों, तो हम नहीं कर पाए। अभी देखिए, ये जो मेरी बड़ी ननद है वो बहुत चिल्ला रही थी पुरोहित के ऊपर कि आप इतना बुला रहे थे कि मैं इसको बुला कर लाऊं, उसका भी टाइम नहीं दे रहे थे तो किसी को भी ला कर बिठा दिया, ऐसा मतलब कुछ गड़बड़ हो गया था। जो भी हो, ये विधि हो जाने देते हैं और उसके बाद क्या है देखते हैं। अब इन दोनों ने कन्यादान कर लिया है और अभी जो होने वाली है वो है मंगलसूत्र की विधि। तो मंगलसूत्र पहनाना है, मंगलसूत्र में दो पत्ते होते हैं और उसके पीछे ना हल्दी और कुमकुम भरना पड़ता है, उसके बाद उल्टा करके पहनाते हैं। ये देखिए, मेरे टाइम पर हुआ था ना तो मुझे याद है। जो भी हो, मंगलसूत्र तो हो चुका है, अभी थोड़ा सा फ़ोटो सेशन भी होगा और फ़ोटो सेशन ख़त्म हो जाने के बाद अभी होगी अंगूठी की विधि, मतलब एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे और सबसे खास करके कि लड़की के पैरों में अंगूठी पहनाना है, मतलब पैरों की उंगलियों में। ये पैरों की जो अंगूठी है ये चांदी की होती है और दो दो उंगलियों में पहनानी पड़ती है, मतलब टोटल चार उंगलियों में। तो पैरों की हो चुकी है, अभी हाथ की अंगूठी ये हो चुकी है और इसके बाद होगा गांठ बंधन, जो कि दूल्हे की जो बहन है, ये देखिए ये लाल साड़ी वाली, ये है दूल्हे की बहन, तो इनका काम है गांठ बंधन करना। दुल्हन ने जो चुनरी ली है उसका कपड़ा और दूल्हे ने जो दुपट्टा लिया है उसका कपड़ा, दोनों का गांठ बांधा जाता है। और अभी भी फ़ोटो सेशन भी चालू है। जो भी हो, गांठ बंधन हो जाने के बाद होंगे सात फेरे, मतलब अग्नि के चारों ओर सात फेरे लेने हैं और सात वचन भी लेने हैं मन ही मन। कोई कोई जोर से भी बोलते हैं, कोई कोई मन ही मन भी बोलते हैं, ये उनकी बात है। तो अभी ये लोग खड़े हो रहे हैं और कैमरा में ठीक से आ नहीं रहा था इसीलिए मैं अभी ना इसका रेशियो चेंज कर रही हूँ, वीडियो के रेशियो।
यहाँ देखिए ये इस तरह से सजाया जाता है और अग्नि प्रज्वलित की जाती है। और अभी दोनों मतलब पहले दूल्हा जाएंगे और उसके बाद दुल्हन, दुल्हन पीछे रहेगी और दूल्हा आगे रहेंगे। तो इस तरह से सात फेरे लेंगे दोनों और मन ही मन सात वचन बोलेंगे। और ये देखिए पैर से इस तरह से एक एक करके ढकेलती जाएगी दुल्हन। सात फेरे हो जाएंगे उसके बाद सिंदूर पहनाएंगे। यहाँ सिंदूर मतलब कुमकुम पहनाते हैं, मतलब दूसरे जगह जैसे कुमकुम अलग होता है और सिंदूर अलग होता है वैसा नहीं है। तो यहाँ अलग से सिंदूर कुछ मिलता नहीं, वैसे मिलता है लिक्विड वाला, लेकिन जो पाउडर वाला होता है चूर वाला वो अलग सिंदूर नहीं मिलता है। जो कुमकुम मिलता है पूजा के लिए या ऐसे जो मिलता है उसी से शादी में सिंदूर पहनाते हैं। तो ये दोनों बैठ गए हैं। अभी ये कुछ रीति है, मतलब ऐसे अग्नि में कुछ क्या कहते हैं आहुति देते हैं, ये रीति बाकी रह गई। तो ये विधि हो जाने के बाद होगी सिंदूर की विधि। मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया है, सॉरी। तो अभी ये जो है आग में आहुति दे रहे हैं दोनों, तो हो चुका है। और अभी पहनाना है सिंदूर। यह है सिंदूर की विधि, तीन बार पहनाना पड़ता है, तो तीन बार पहनाएंगे। और यह पहनाएंगी टीका, मतलब पति को भी टीका लगाना पड़ता है शादी के टाइम, कुमकुम से ही लगाते हैं, अलग से कुछ नहीं है। तो शादी तो हो चुकी है। अभी ये जो लड़का आया है ना, ये दुल्हन का भाई है, मतलब हमारा भांजा है। तो ये जीजा जी का कान खींचेगा और कान में कुछ बोलेगा, क्या बोलेगा वो भी बता दे रहे पुरोहित कि हमारी बहन को अच्छे से रखो, ऐसा बताता है कि हमारे बहन को, बहन का अच्छे से ध्यान रखो। अभी तक और भी कुछ रीति बाकी है। अभी ये पुरोहित जी बुला रहे हैं दूल्हे का मामा को, तो वो आएंगे और कुछ रीति रस्म होंगे। और ये देखिए अभी मैं मेरी बच्ची के साथ थोड़ा सा आ गई हूँ और शादी हो चुकी है। अभी इनके साथ सब लोग आकर फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, सब लोग आकर फ़ोटो खींच रहे हैं, तो मैं भी आ गई हूँ थोड़ा सा भाव खाने, मैं भी फ़ोटो खींच रही हूँ। और अभी ना मैं उनसे पूछ रही थी कि आप दोनों एक दूसरे से खुश हो कि नहीं, तो इन्होंने बोला हाँ बहुत खुश है। वैसे तो एक दूसरे को बहुत पसंद है। तो अभी शादी हो चुकी है लेकिन रजिस्ट्री अभी तक हुई नहीं है। रजिस्ट्री के लिए हमें जाना है और उससे पहले हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है। और हम सबके खाने पीने के बाद ये दूल्हा दुल्हन को खाने के लिए दिया गया है, वो दोनों एक साथ खाना खा रहे हैं। और उसके बाद हम जाएंगे रजिस्ट्री ऑफिस में और ये दोनों साइन करेंगे रजिस्ट्री पेपर में। तो ये दोनों खाना खाने के बाद अभी हम आ गए हैं रजिस्ट्री ऑफिस में। ये सब कार्यकर्ता लोग बैठे हैं और वकील साहब भी बैठे हैं। अभी ये दोनों सिग्नेचर कर रहे हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में सिग्नेचर होने के बाद ये दोनों जाएंगे अपने घर, मतलब ये सब लोग जाएंगे उनके घर। लड़की मतलब हमारी जो लड़की है, जो दुल्हन है शादी की, वो जाएगी। और उसके साथ साथ मेरी जो छोटी वाली ननद है वो भी जाने वाली है। मतलब दुल्हन के साथ किसी ना किसी को जाना पड़ता है, तो ये मेरी ननद जा रही है और उसका बेटा भी जा रहा है, मतलब उसका बच्चा छोटा सा है, ये दोनों जाने वाले हैं। तो इनकी गाड़ी तो भर रही है, मतलब सब लोग बैठ रहे हैं धीरे धीरे, और बाकी जो लोग थे सब लोग दूसरी गाड़ी में करके चले गए हैं और ये लोग अभी जा रहे हैं। इनके जाने के बाद हम जाएंगे अपने घर। तो ये लोग ठीक ठाक से बैठ गए हैं और जाते समय हमारी सानिया बहुत ही रो रही थी, तो सब समझा रहे थे कि मत रो। तो सबकी शादी होती है, सब लोग ऐसे चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, आते जाते रहते हैं, तो ऐसे ही सब लोग समझा रहे थे उसको कि मत रो।
अभी ये लोग जा रहे हैं, देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और ये लोग निकल गए हैं। और उसके बाद हमें भी अभी जाने की बारी है। और मेरी बच्ची ने खाना नहीं खाया है और उसको बहुत नींद भी लगी है, क्योंकि दोपहर को सोने की आदत है, तो वो बहुत ही परेशान हो रही है घर जाने के लिए, बार बार बोल रही है घर चलो घर चलो घर चलो। तो अभी हम बहुत जल्दी में हैं, तो फाइनली हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। और ये जो लड़की है, ये बच्ची हमारी भांजी है दूसरी, मतलब मेरी जो दूसरी वाली ननद दिखाई थी उनकी बेटी है। सो दोस्तों, हम जा रहे हैं घर, और इतना तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।